भूचाल के झटकों नाल एक बार फिर तो धरती कंब उठी है। तड़के तड़के आए भूचाल ने लोगों की नींद खोल दी और अब्बड़वाहे लोग उठ के इधर उधर भज्जन लगे। दस दिए कि एक बार फिर तो भूचाल के झटके महसूस किए गए ने। हालांकि ये ज्यादा तीव्रता वाला भूचाल नहीं सी, पर इत्थे ये जरूर है कि लोग सहम गए सन। तड़के ही भूचाल के झटके महसूस होने लगे तो सुते हुए लोगों की नींद खुल गई और मिनटों के विच हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर भज्जन लगे और घरों तो निकल के बाहर आ गए। दस दिए कि यह भूचाल की तीव्रता 3.0 रेक्टर पैमाने से इसकी तीव्रता मापी गई है, जिस करके झटके जरूर महसूस हुए ने पर कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं होया। भूचाल के विज्ञानी इस मामूली भूचाल मानते ने, पर एक समय ली लोग जरूर सहम गए सन। उन्होंने डर जरूर बैठ गया सी, क्योंकि जदों भी भूचाल के झटके महसूस होंगे ने तो डर रहा है कि मुड़ तो तेज भूचाल ना आवे। सो दस दिए कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के भूचाल के झटके महसूस किए गए ने। तीव्रता इसकी 3.0 रेक्टर पैमाने पर रही है। नाल ही भी दस दिए कि मामूली भूचाल सी, पर इसने तड़के तड़के ही सुते हुए लोगों की नींद जरूर खोल दी है, जिस करके लोग सहम भी गए ते लोगों के विच भाजड़ा भी पै गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के विच ये भूचाल के झटके महसूस किए गए ने। किसी तरह का कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं होया है। हालांकि ये जरूर है कि हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है तो उत्थे ज्यादा डर रहा है। पहाड़ों के विच रहिंदे लोगों नूं जदों झटके महसूस होंदे ने पहाड़ खिसकन का जमीन खिसकन का डर बनिया रहा है, जिस करके इत्थे लोगों विच ज्यादा डर देखा गया है। दसिया जा रहा है कि लोग आराम नाल सुते हुए सन, कुछ तो तड़के उठ गए, पर तड़के जिथे भूचाल आया तो सुते हुए लोगों की भी नींद खुल गई और डर के मारे इधर उधर भज्जन लगे। सारे ही घर तो बाहर निकल आए, खुले मैदान के विच खड़े हो गए। गनीमत रही है किसी तरह का कोई भी जानी नुकसान नहीं होया। भूचाल के झटकों नाल एक बार फिर तो धरती कंब उठी है। तड़के तड़के आए भूचाल ने लोगों की नींद खोल दी और अब्बड़वाहे लोग उठ के इधर उधर भज्जन लगे। दस दिए कि एक बार फिर तो भूचाल के झटके महसूस किए गए ने। हालांकि ये ज्यादा तीव्रता वाला भूचाल नहीं सी, पर इत्थे ये जरूर है कि लोग सहम गए सन। तड़के ही भूचाल के झटके महसूस होने लगे तो सुते हुए लोगों की नींद खुल गई और मिनटों के विच हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर भज्जन लगे और घरों तो निकल के बाहर आ गए। दस दिए कि यह भूचाल की तीव्रता 3.0 रेक्टर पैमाने से इसकी तीव्रता मापी गई है, जिस करके झटके जरूर महसूस हुए ने पर कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं होया है। भूचाल के विज्ञानी इस मामूली भूचाल मानते ने, पर एक समय ली लोग जरूर सहम गए सन। उन्होंने डर जरूर बैठ गया सी, क्योंकि जदों भी भूचाल के झटके महसूस होंगे ने तो डर रहा है कि मुड़ तो तेज भूचाल ना आवे। सो दस दिए कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के भूचाल के झटके महसूस किए गए ने। तीव्रता इसकी 3.0 रेक्टर पैमाने पर रही है। नाल ही भी दस दिए कि मामूली भूचाल सी, पर इसने तड़के तड़के ही सुते हुए लोगों की नींद जरूर खोल दी है, जिस करके लोग सहम भी गए ते लोगों के विच भाजड़ा भी पै गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के विच ये भूचाल के झटके महसूस किए गए ने। किसी तरह का कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं होया है। हालांकि ये जरूर है कि हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है तो उत्थे ज्यादा डर रहा है। पहाड़ों के विच रहिंदे लोगों नूं जदों झटके महसूस होंदे ने पहाड़ खिसकन का जमीन खिसकन का डर बनिया रहा है, जिस करके इत्थे लोगों विच ज्यादा डर देखा गया है। दसिया जा रहा है कि लोग आराम नाल सुते हुए सन, कुछ तो तड़के उठ गए, पर तड़के जिथे भूचाल आया तो सुते हुए लोगों की भी नींद खुल गई और डर के मारे इधर उधर भज्जन लगे। सारे ही घर तो बाहर निकल आए, खुले मैदान के विच खड़े हो गए। गनीमत रही है किसी तरह का कोई भी जानी नुकसान नहीं होया।